हेलो गाइस, हेलो गाइस। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 बज रहे हैं। अभी हमने सुबह का सारा काम फ्री होके खाना वाना बनाया, खाया सब करके अभी हम कल का व्लॉग देख रहे हैं घूमने फिरने का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखिए, और पसंद आने पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके उसकी आँख में थोड़ा सेक किया, उसकी आँख पे फोड़ी होने की वजह से वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, कुछ बराबर देख नहीं पा रही थी, इसलिए फिर उस बेलन से थोड़ा उसके सेक वगैरह किया, उससे मैं थोड़ा किसी को भी मारा नहीं जा रहा। उसको आराम मिलेगा। इसके लिए आप और कुछ सोचना मत कि उसको मारा जा रहा है या आंख के अंदर बेलन घुसाया जा रहा है, ऐसा कुछ ही नहीं है। लो बेटा, केला खा लो। धन्यवाद, थैंक यू। 5 बजने में 15 मिनट बाकी है। अभी मम्मी उठी है थोड़ी देर पहले, मुझे केला दे के रही है और मैं खा रही थी। और उसके थोड़ी देर बाद मम्मी रूम में आती है और मुझे पूछते भुट्टे की पकौड़ी खानी है। मैं बोला हाँ, तो मम्मी बोलती है चल हेल्प कर। मैं नहीं खानी तो ठीक है, रोटी सब्जी खा लेना जो सुबह बनाया था। ये देखो ऐसे ब्लैकमेल किया जाता है। नहीं तो है तो करनी पड़ेगी ना, मम्मी कब तक काम करती रहेगी। हाँ तो मैंने किधर हेल्प करने से मना किया है। देखो कॉल आ गया, राजू मामा का। हाँ हेलो। व्हाट इज दिस, ऐसे ब्लैकमेल किया जाता है। मेरी एक आंख खराब है फिर भी। अभी मम्मी कॉल पे बात कर रही है, दूध गर्म करने के लिए रखा है तो मुझे वो देखना है कि कहीं वो उबल नहीं जाए। बट अभी मैं इसको देखूंगी, कंटिन्यूस देखूंगी, बट जैसे ही मेरी नज़र इधर से उधर होगी और मम्मी ये पूरा उबल जाएगा। और अभी मेरे को भुट्टे भी छिलने, अगर मुझे भुट्टे की पकौड़ी खानी है तो नहीं तो फिर सुबह का खाना खाना पड़ेगा। और ऊपर से सुबह करेले की सब्जी और टोनली की सब्जी थी, मतलब इन दोनों में से कोई भी सब्जी पसंद ही नहीं है। तो सुबह का करेला का सब्जी खाने से बेटर है कि मैं हेल्प करके और भुट्टे की भुजिया बनवा दूँ मम्मी से। स्मार्ट। भुट्टे की पकौड़ियाँ बन रही है आज शाम को, चपाती बन चुकी है और टोंडली की सब्जी बन चुकी है, अभी लास्ट में भुट्टे की पकौड़ी बन रही है। जो अभी बस 6 बजे खाना खाने बैठेंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। बोलो आप। साफ मम्मी पलट गई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा क्या काम है आपको, मम्मी बोली आँख फोड़नी है तेरी। और अभी मम्मी बोल रही है आँख फोड़ूंगी क्या ऐसे, कोई तो मेरी लाडली बेटी है।
हाँ वो तो अभी पता चलेगा। इतना जल्दी जल्दी आज काम कंप्लीट किया है मम्मी ने, बस आप फोड़नी है कुछ भी करके आज। अरे इसके मुंह आंख में फोड़ी हो रही है, वो अच्छी मस्त पक गई। नहीं सुबह से खुजली हो रही है मम्मी के, कब फोड़ो कब फोड़ो। तभी मम्मी मस्त तैयार होके मेरे को किधर जाने भी नहीं दे रही। खाना बनाने जा रहे हो क्या? करने जा रहे हो? मम्मी मेरा आंखों का ऑपरेशन करने जा रही है। और ये देखो हमारी डॉक्टर, इनको इतनी सुबह से खुजली हो रही है फोड़ी फोड़ने के लिए, उसके लिए पहले से तैयार होके बैठी है। ये देखो रुई वगैरह सब डालते हैं, ये एप्रोन पहना दिया मेरे को। अभी मम्मी मेरे आंखों का ऑपरेशन करेगी डॉक्टर। अच्छे से करना ठीक है, बेलन घुसे दूंगी। एकदम अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से करना ठीक है। चलो अभी देखते क्या होता है, मेरी आंख खुली रहती है कि नहीं रहती है वो इस वीडियो के बाद पता चलेगा। ये डॉक्टर के पास मत आना। आ, 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 बहुत आ, 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 अभी आ जा जोर होएगी बेटा पक्की। ले तू पोछ ले, लहाव यार तक पर पोछना पोछना। हाँ ले पोछना, फूटी गुण कुछ भी नहीं निकला। निकाल के तू तो हाथ तो लगा भाई ना, देरी मान उनकी गलती में दूसरी जगह दब गयो। यो यो ये गलत फोन देसी इलाज तो देसी हुआ तो 17 पेरा दिया मैंने, जो हुआ कोई। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑपरेशन किया, बट डॉक्टर ने बोला है कि अभी एक और दिन लगेगा उसको पकने में, उसका मुंह निकलने में। डॉक्टर अभी स्टडी कर रहे हैं फेसबुक पे कि कैसे निकाला जा सकता है उसको। तो ये देखो मेरी आँख अभी ऐसी हो रखी है। क्या पता चला फेसबुक पे मम्मी आपको कैसे फोटेगी ये फोड़ी? फेसबुक पे वो पता नहीं चलता, यूट्यूब पे पता चलता है। अच्छा तो यूट्यूब पे देखो ना, इसके है ना अभी और सेक करना की जरूरत है, फिर बाद में ये अच्छी पक जाएगी। बस एक दिन और लगेगा इसको, अभी एकदम लाल हुई है, एक दिन और लगेगा फिर बाद में ठीक हो जाएगा, फोड़ देंगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो डॉक्टर के जाओ। वैसे तो डॉक्टर के जाने में तो मौत आती है। नहीं सारे काम घर पे, अभी मेरे को ये सब काम होते रहते हैं, कभी मेरे चेहरे पे हो जाता है, मतलब जो मुझे जानते हैं लोग उनको पता होगा मैं 365 days डैमेज ही रहती हूँ। मैं बार बार डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है कि अब मम्मी को ये सब आता है तो मम्मी घर पे जुगाड़ करके ठीक कर देती है, करके मैं अभी डॉक्टर के पास जाती नहीं हूँ। जब एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तब तक हम छेड़खानी करते रहते हैं। है ना मम्मी? खाऊंगी। ओह ये देखो
ट्रू ब्यूटी। देखो और बटर जा रहा है, मतलब ये स्पेशल पाव सिर्फ मेरे लिए बनी थी। मुझे दे दो। ओ मेरे लिए है ये। अरे यार मेरे को ब्रेक मिला है, फटाफट खा लेती हूँ। पर मेरी है ये बटर वाली पाव। हाँ मुझे नॉन बटर चाहिए। अब आएगा मजा। हम सब लाइन से बैठ गए हैं पाव भाजी। हम मम्मी इधर पाव सेक रही है 6 बजे से पहले खाना खत्म करना करके। ब्रो 6 बज गई है, 7 बजे के पहले खाना खत्म करना है। सॉरी 7 बजे से पहले, 6:30 से पहले। जमुना पाव खा रही है। ये देखो लालिए, ये मैं, ये तेरे लिए था एक्चुअली। समथिंग डिफरेंट, ये तेरे लिए था। नहीं समथिंग डिफरेंट। चल यार ये वो पाव हो जाएगी जो राजस्थान में मिलती है, मीठी मीठी। हाँ बहुत याद आ रही है इसको राजस्थान। हाँ खा खा खा। आप भी ट्राई कीजिए। नहीं गुलाब जामुन के साथ पाव। बड़ा पाव नहीं, गुलाब जामुन पाव। हाँ गुलाब जामुन पाव खाइए, बड़ा पाव नहीं। अब सब खाएंगे। पागल है क्या, इधर गुलाब जामुन खत्म हो गए सब। हाँ कैसा लगा अपना एक्सपीरियंस बताइए। नहीं ये ना वो भेजी अभी उसमें क्रीम की कमी रहती है, इसमें मीठा की बहुत ज्यादा भरमार। पाव भाजी का मजा आता है।